मोबाइल बैठते हैं, बंदे चार भी हैं। इज दिस द ओनली गैंग दैट यू हैव कैप्चर्ड? कि इन्होंने कुछ खुलासा किया कि इनके साथी भी है जिनको? फिलहाल जो है इन्होंने यही बोला है कि ये किसी और को यहाँ पे तकलीफ देने का मकसद ये है कि दो दिन पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जो कंगन में एक चोरी हुई थी, उसमें एक लेडी और एक उसके साथी को जो है उस वीडियो में देखा गया था। तो ठीक उसी के बाद यहाँ पे श्रीनगर पुलिस ने अंडर द डायरेक्शन ऑफ एसएसपी श्रीनगर जितने भी यहाँ पे नाका चेकिंग थी या नाका चेकिंग सारी इंटेंसीफाई करके की गई थी, उसी नाका चेकिंग के दौरान यहाँ पे पुलिस स्टेशन शहीदगंज में जहांगीर चौक में एक नाका लगाया हुआ था, दौरान नाका चेकिंग वहाँ पे चार लोगों को पकड़ा गया आल्टो गाड़ी में। तो हमारे जो वहाँ पे एसआई साहब थे इनको और इनकी पार्टी को वहाँ पे शक हो गया कि शायद ये वही लोग हैं जो उस कंगन वाली चोरी में इन्वॉल्व हैं, जहाँ से ये लोग एक लॉकेट और एक ईयर रिंग चुरा के भागे थे। तो उसी समय इन चार लोगों को डिटेन करके वापस यहाँ पे पुलिस स्टेशन लाया गया। जब मज़ीद पूछताछ की गई, मज़ीद पूछताछ करने पे इन्होंने बताया कि इन्होंने इससे पहले भी कुछ चोरियाँ की हैं, उनमें से जैसे ये लोग 12 तारीख से यूपी मुरादाबाद से निकले हैं, उसके बाद ये लोग जम्मू आते हैं, जम्मू में रघुनाथ मंदिर के एक पास एक ज्वेलर्स की दुकान है वहाँ पर ये लोग घुसते हैं, वहाँ पर इन्होंने कुछ तीन चार रिंग जो हैं वहाँ से चुराई हैं। उसके बाद वहाँ से ये लोग उधमपुर जाते हैं, उधमपुर जाके वहाँ पे भी ठीक इसी तरह ज्वेलर शॉप में एंटर होके वहाँ से भी कुछ अंगूठियाँ चुराते हैं। उसके बाद ये रात को आके डल लेक में स्टे करते हैं, स्टे करने के बाद फिर ये लोग कंगन चले जाते हैं, कंगन में भी जाके इसी तरह से ये चोरी करते हैं। तो कुल मिला के जो चोरी की आइटम जो रिकवर हुई हैं वो यहाँ पर हमने आपके सामने डिस्प्ले की हैं। उसमें से मैं पढ़ना चाहूँगा, ये गोल्ड फिंगर रिंग्स हैं कोई 11 नंबर करके टोटल जो हमारे पास रिंग जो बरामद हुई है इनसे, गोल्ड ईयर रिंग्स हैं 3 नंबर, गोल्ड फिंगर रिंग है ब्रोकन 1 नंबर, और इसी तरह सिल्वर रिंग है एक गोल्ड लॉकेट है, एक आर्टिफिशियल रिंग एक है, एक और आर्टिफिशियल रिंग है अलग से, आर्टिफिशियल लॉकेट है 1 नंबर, और उसके अलावा जो कुछ कैश जो है इन लोगों से मिला है वो कुछ 52,000 करके कैश जो है हमने इनसे रिकवर किया है। तो ये चार लोग जो हैं हमने इसमें पकड़े हैं, जिसमें 3 मेल हैं और एक फीमेल है, लेडी है। ये सारे लोग जो हैं यूपी के रहने वाले हैं, 3 लोग इनमें से मुरादाबाद के हैं और एक जो है इनका ड्राइवर जो है वो गाज़ियाबाद से ताल्लुक़ रखता है। देख सकते हैं हम सर के साथ अभी तक जो है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है, यहाँ के किसी भी लोकल का लिंक अभी सामने नहीं आया है। तो लेकिन इनका बेसिकली कल भी यहाँ पे जो जहांगीर चौक आने का इरादा ये था कि यहाँ पे आपको पता ही है ज्वेलर मार्केट है, हरी सिंह स्ट्रीट में बहुत बड़ा मार्केट है, इन्होंने आप यहाँ पे भी दुकानदारों को टारगेट बनाना था। तो जब इनसे मज़ीद हमने पूछताछ की तो इन्होंने अपना मॉडस ऑपरेंडी भी जो है वो रिवील किया, उसमें इन्होंने बताया कि ये जैसे एक लेडी है साथ में अपना साथी इसका जो होता है ये दुकान के अंदर एंटर होते हैं, एंटर होकर ये पहले कोई सस्ती सी गोल्ड आइटम का ऑर्डर करते हैं और कैश वैश दिखाते हैं उनको, तो दुकानदार जब इनको आइटम वो दे देता है, एक आइटम लेने के बाद जब उसका ये विश्वास जीत लेते हैं फिर ये दूसरी आइटम के लिए कहते हैं कि ये आइटम भी अप्लाई, वो जब दूसरी आइटम लेने के लिए जाता है तो ये जब अटेंशन उसकी डाइवर्ट करके उसके बाद वहाँ से ही कुछ कोई भी गोल्ड आइटम वहाँ रिसीव करके तो ये निकल जाते हैं। तो इस तरह से इनका मॉडस ऑपरेंडी है, लोकल लिंक अभी इसमें इस तरह का कुछ सामने नहीं आया है, से पहले कोई वारदात हुई है वो तो अभी तक सामने नहीं आई। लेकिन यूपी में इन्होंने कहा है कि हम अक्सर जब हमारे पास पैसे या इस तरह की कमी हो जाती है हम लोग यहाँ से निकलते हैं, फिर यूपी में अलग अलग एरिया में जाते हैं वहाँ पे चोरी करते हैं। तो ये प्रोफेसर अभी लास्ट टाइम भी एक मुझे याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों से ही करवाई थी जिसमें हमने गोनी खान में बड़ी सारी लेडी चोर को पकड़ा गया था, वो भी आपके सामने लाए थे, ठीक है। उसके बाद हमने दुकानदारों को भी सबको रिक्वेस्ट की है और जितने दुकानदार हैं ज़्यादातर यहाँ पे मार्केट में सीसीटीवी जो है वो लग चुके हैं, और मेरी बाकी वालों से भी अपील यही रहेगी कि सीसीटीवी जो है जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल करवा सकें, सीसीटीवी दुकान के अंदर एज वेल एज़ बाहर, जिससे बंदा दुकान के अंदर आते हुए नज़र आए तो उसके लिए। और एक इसी लेडी का एक बेटा भी है इनमें, दोनों मदर इनके साथ। देखो एक बंदा जो है इनका। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।